मुद्दा आप लोग खड़ी पाना खड़ा करते हैं सर, हम नहीं, आप बता रहे हैं। आप भाजपा की पत्रकार की हैसियत से पूछते, प्रवक्ता की हैसियत से मुझसे पूछ रहा है कि पत्रकार की हैसियत से, पहले बताइए। अगर भाजपा की प्रवक्ता की हैसियत से पूछते तो मैं प्रवक्ता कैसे बात करूं? अगर मैं पत्रकार की हैसियत से पूछते तो पत्रकार जैसी बात करूं? देखिए, आपका चिढ़ना लाजमी हो सकता है, आपका चिढ़ना लाजमी हो सकता है, लेकिन आप अगर कांग्रेस से हैं तो हम भाजपा वाली बात आपसे पूछ नहीं सकते हैं। अगर कोई भाजपा आपने देश विकास की बात करना चाहिए, उनकी धर्म किसी धर्म से देश नहीं चलता। हम कह रहे हैं कि बिना धर्म के देश नहीं चल सकता, मेरा मानना है, और बिना देश के धर्म नहीं चल सकता। ये नहीं, देश में सबसे जरूरी है शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ये जरूरी है, इसको होना चाहिए। वही तो नहीं दे पाई कांग्रेस, जैसा कि लोग कह रहे हैं। देखिए, अगर दी होती, सुनिए, यही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने दिया होता तो आप बोल नहीं सकते आज। कांग्रेस की ये मानने के भी तैयार है, कांग्रेस की देने की जो आप बोल रहे हैं, और कांग्रेस की यही दे, कांग्रेस की देने की वो सबका साथ मानने का तैयार है, माननीय प्रधानमंत्री तैयार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस की देन है, माननीय प्रधानमंत्री हुए, कांग्रेस की देन है कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का काम किया है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की देन है। ऐसा क्या चीज था गुप्ता जी, थोड़ा बताइए, ऑडियंस सुनेगा आपकी बात। ऐसा क्या चीज था जो कांग्रेस ने बनाया, इसलिए वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए ओबीसी के? देखिए, कांग्रेस ने हर धर्मों को सम्मान किया है, हर अमीर गरीब का सम्मान किया है, और जहाँ तक कह रहे हैं कि नाम न बदलने का कारण, मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में राजीव विद्युत योजना के नाम से पूरे झोपड़ी तक की बिजली लगाने का काम कांग्रेस ने किया था, उसको उन्होंने बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर लिया। जिस आधार का इन्होंने विरोध करते थे, उस आधार को इन्होंने लागू किया। जिस इन्होंने बहुउद्देशिक कंपनियों का विरोध करते थे, उसको बहुउद्देशिक कंपनियों को लाया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, कांग्रेस के काम ये अपना काम बता रहे हैं। ये आपकी कुछ बातें तो हम मान लिए, जैसा कि आपने बताया कि इस नाम का ये नाम कर दिए, इसलिए वो कहते हैं कि हमने किया। लेकिन अगर जैसे विद्युत योजना की बात ही ले लीजिए आप, विद्युत योजना अगर कांग्रेस ने चलाई, मतलब चलाने का काम अगर कांग्रेस ने किया, तो घर घर पहुंचाने का काम बीजेपी ने कर दिया, तो लोग बाग उसी को जानेंगे ना कि जिसने उसके घर पे पहुंचाया। यही तो कांग्रेस की गलती, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को कागज में रख किया, कांग्रेस में रख के न्यू डाला, लेकिन उसको घर घर पहुँचाने पता नहीं, प्रचार नहीं कर पाए। ये गलती हुई है, ये कांग्रेस की गलती है कि उन्होंने प्रचार नहीं कर पाया। तो जैसा कि आप ये बता रहे ना, ये जो चीजें आपने बोला वो तो प्रधानमंत्री ने पहले ही बोल दिया था मंच से कि कांग्रेस केवल नाम लिखती थी कागजों में, हम उसको पहुंचा दिए घर तक। बात समझ रहे हैं? और ये यही चीज, यही किया, यही चीज कांग्रेस की, कहीं चाहे आप जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की यही गलती थी, गलती ये लगता है आपको कि सुधर जाएगी? निश्चित सुधर जाएगी, निश्चित सुधर जाएगी, आने वाला दिन कांग्रेस का होगा। 2000 जनता ने अगर साथ दिया तो 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कोई वजह बता दीजिए कि लोग बाग जैसे घूम के वापस फिर कांग्रेस के पास चले आएंगे, कोई वजह ऐसे बता दीजिए। मुझे यह है, इतनी जो 30 रुपए का पेट्रोल है उसकी कीमत 30 रुपए है, और आज 100 रुपये बिक रहा है। जब कांग्रेस का जमाना था तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 142 रुपये प्रति डॉलर लीटर पेट्रोल, कच्चे पेट्रोल का दाम था, और आज 45 रुपया।